नमस्कार भवप्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अगले महीने शुरू हो सकती है जातीय जनगणना। बिहार में बनेंगे 62 रोड ओवरब्रिज। इंजनों में ड्रोन से लैंस मोटर, बोट से हो रही है गश्ती। निकाय चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। टी20 विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगी भारतीय टीम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अगले महीने शुरू हो सकती है जातीय जनगणना। बिहार में अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराने का फैसला बिहार सरकार कर चुकी है, जिसे 2023 में संपन्न करने की बात कही गई है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर अगले महीने से तैयारियां भी शुरू कर दी जाएगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अगले महीने जुलाई की आखिरी हफ्ते से जातीय जनगणना शुरू हो सकती है। इसके लिए सभी नोडल पदाधिकारियों का फॉर्मेट भी तैयार किया जा चुका है। इसको लेकर विभाग ने एक नया सेक्शन बनाया है जिसकी संख्या 28 है। इस सेक्शन का गठन जनगणना को सही तरीके से कराने के लिए किया गया है। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के एक पदाधिकारी को जाति गणना प्रक्रिया के सभी जिलों में देखरेख करने के लिए संयुक्त सचिव बनाया गया है। नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आज विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान ये बताया गया कि नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर जल्द ही पहल की जाएगी। सरकार ने प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी है कि मौजूदा नियोजन प्रक्रिया पूरा होने के साथ ही पूर्व के नियोजित शिक्षकों के तबादले के बारे में विचार किया जाएगा। वहीं वेब पोर्टल के माध्यम से अंतर नियोजन इकाई में ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा शिक्षकों को दी जाएगी। ये उक्त जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तरकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में दी है। बिहार में बनेंगे 62 रोड ओवरब्रिज। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने राज्य में आरओबी बनाने को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 62 आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। इसमें अगले 3 से 6 महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नितिन नवीन ने कहा है कि 45 आरओबी पर पुल निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, इसकी निविदा प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा है कि राज्य के किसी भी हिस्से में राजधानी पटना आने के लिए स्टेट हाईवे और फिर MDR पथ स्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले आरओबी निर्माण के लिए योजना बनाई जा रही है और इसको स्वीकृति की प्रक्रिया में है। अब जम के बरसेगा बादल। प्रदेश में जून के महीने में भी दक्षिणी भाग के कुछ इलाके भीषण गर्मी की चपेट में ही थे, बावजूद इसके कि 15 जून को बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी थी। हालांकि आज बिहार के लगभग सभी जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली। राजधानी पटना की ही बात करें तो आज सुबह यहां पर भी हल्की बारिश देखी गई। हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली है। बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी के साथ हीट ट्रफ रेखा बिहार से होते हुए बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसके प्रभाव से उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मध्यपुरा और किशनगंज समेत 19 जिलों के कुछ कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। वहीं पटना, पूर्णिया, सहरसा समेत कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे, वहीं कई जगहों पर बारिश भी रही। 1 जुलाई से इन स्टेशनों के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। यात्रा के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र और अयोध्या कैंट के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जी हां, गाड़ी संख्या 03219 पाटलिपुत्र अयोध्या कैंट समर स्पेशल पर 1 जुलाई से 19 अगस्त के बीच प्रत्येक शुक्रवार को पाटलिपुत्र से शाम 7:40 से रवाना होगी, जो कि अगले दिन सुबह 6:30 में अयोध्या कैंट पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में गाड़ी संख्या 03220 अयोध्या कैंट पाटलिपुत्र समर स्पेशल 2 जुलाई से 20 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार को अयोध्या कैंट में शाम 8:15 में प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 9:55 में पाटलिपुत्र पहुंचेगी। यह ट्रेन बिहार में सोनपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, वाल्मीकि नगर रोड, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मानकापुर के रास्ते अयोध्या स्टेशन पहुंचेगी। इन ट्रेन में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के 1, द्वितीय श्रेणी के 2, तृतीय श्रेणी के 6, शयनयान श्रेणी के 6, साधारण श्रेणी के 4 कोच लगे रहेंगे। इन जिलों में ड्रोन से लैंस मोटरबोट से हो रही है गश्ती। बिहार में शराबबंदी जारी है, इसके बावजूद लोग इससे परहेज नहीं करते हैं। आए दिन मद्य निषेध विभाग चोरी से शराब की बिक्री करने वालों को दंडित करती है। पुलिस शराब पीने वालों पर नजर रख रही है, इसके बावजूद लोग नहीं सुधर रहे। हालांकि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने शराब की मॉनिटरिंग के लिए अपना दायरा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में 4 जिलों के लिए गठित मात्र एक टीम ने करीब 4.52 लाख किलोग्राम अवैध जावा महुआ और 11,915 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त करने में सफलता हासिल की। इसको देखते हुए ही विभाग ने 10 नए जिलों के लिए 2 अतिरिक्त टीम का गठन किया है। इसके लिए उनको 5 मोटरबोट की सेवाएं उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यालय से छापेमारी की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं मोटरबोट पर ड्रोन की लैंडिंग और टेक ऑफ की व्यवस्था होने से छापेमारी आसान हुई है। सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर प्रतिबंध की बढ़ाई गई समय सीमा।
देश के साथ साथ बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर गृह विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इसको देखते हुए सभी सरकारी कार्यालय में अगले महीने के 12 जुलाई तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सभी सरकारी कार्यालय में अस्थायी रूप से बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि बिहार में बढ़ रहे कोविड संक्रमण की वजह से सभी सरकारी कार्यालयों को आदेश जारी किया गया है कि 12 जुलाई तक AEBAS और BBAS के माध्यम से पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थिति नहीं दर्ज कराएं। मालूम हो कि इससे पहले भी 13 जून से सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर प्रतिबंध था, हालांकि वो तो सप्ताह के लिए ही था। अब फिलहाल इसे बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी जाएगी। एक और भ्रष्ट अधिकारी पर EOU ने कसा शिकंजा। अगर ये कहा जाए कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारी भरे पड़े हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। हर रोज आर्थिक अपराध इकाई किसी न किसी भ्रष्ट अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके ठिकाने पर छापे मारती है। इस बीच कर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने आज एक और ऐसे अधिकारी के ऊपर शिकंजा कसा है। आर्थिक अपराध इकाई ने फॉरेस्ट विभाग के एक अधिकारी शंभु प्रसाद के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। मुजफ्फरपुर में सहायक उद्यान निदेशक के पद पर तैनात शंभु प्रसाद के पटना और मुजफ्फरपुर स्थित अलग अलग ठिकानों पर खबर लिखने तक सुबह से ही आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी जारी रही थी। निकाय चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मालूम हो कि निकाय चुनाव में काफी देरी हो रही है, हालांकि आयोग की तरफ से नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण में 144 नगर निकायों की मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन पर मिलने वाली आपत्तियों के निपटारे, दूसरे चरण के 81 नगर निकाय और तीसरे चरण के 6 नगर निकाय के वार्ड परिसीमन पर मिलने वाली आपत्तियों के निपटारे और अन्य कार्यों की समय सीमा बढ़ा दी है। तीसरे चरण की मतदाता सूची आने में 24 से 29 जुलाई तक का समय लग सकता है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से ही निकाय चुनाव की समय सीमा मतदाता सूची के PDF अंतिम रूप से तैयार करने के बाद 30 जुलाई को तय की गई है। बिहार के रास्ते असम जाने वाली 12 से ज्यादा ट्रेनें हुई रद्द, रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने इसकी जानकारी दी है कि असम में भीषण बाढ़ के चलते बिहार से गुजरने वाली करीब 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य असम में भीषण बाढ़ से कई जगहों पर पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं किशनगंज से होकर जाने वाली दर्जनों ट्रेनें 2 से 15 जुलाई के बीच रद्द रहेंगी। रद्द रहने वाली ट्रेनों में गाड़ी संख्या 15625 देवघर अगरतला, गाड़ी संख्या 20501 अगरतला आनंद विहार तेजस एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12503 बेंगलुरु कैंट अगरतला, गाड़ी संख्या 20502 आनंद विहार अगरतला, गाड़ी संख्या 14619 अगरतला फिरोजपुर कैंट सहित 12 से ज्यादा ट्रेनें शामिल है। आपको सलाह दी जाती है कि यह संक्षिप्त जानकारी है। रेलवे से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शोर शराबे और हंगामे के बीच विधानसभा में तीसरे दिन की कार्रवाई की गई शुरू। बिहार विधानसभा में फिलहाल 5 दिवसीय मॉनसून सत्र चालू है। बिहार विधानसभा में आज मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। हालांकि शोर शराबे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू किया। हंगामे के बीच भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने दिव्यांगों से सवाल उठाए। विधायक ने पूछा कि 6 लाख से अधिक दिव्यांगजन ऐसे हैं जिन्हें प्रमाण पत्र तो है लेकिन उपकरण नहीं मिल पा रहे, वहीं 2 लाख से अधिक विधवा ऐसे हैं जिन्हें प्रमाण पत्र होते हुए पेंशन नहीं मिल पा रहा है। मंत्री मदन सहनी ने जवाब देते हुए कहा कि हम दिखवा लेते हैं। वहीं शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विधायकों को चेताते हुए कहा है कि अराजकता मत फैलाइए, जो अराजकता फैलाएंगे उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा प्रश्नकाल हंगामे की वजह से नहीं होगी बाधित। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू है। आपातकालीन मॉनसून सत्र के बीच कार्रवाई के दौरान रोज विपक्ष प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी सोमवार को भी विधानमंडल विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया गया। खासकर बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर विधानसभा में हंगामे हो रहे हैं। हालांकि सत्र के तीसरे दिन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कार्रवाई के दौरान हंगामे की वजह से प्रश्नकाल बाधित नहीं होगा, प्रश्नकाल के दौरान कोई हंगामा नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी आज तीसरे दिन विपक्ष हंगामा और नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। CBI की मांग, लालू यादव की सजा अवधि बढ़ाई जाए। चारा घोटाले के साथ अन्य कई मामलों में जमानत पर रिहा लालू यादव की मुश्किलें CBI एक बार फिर से बढ़ा रही है। CBI को लालू यादव की सजा उनके गुनाहों के लिहाज से कम लग रही है। यही वजह है कि CBI की मांग है कि लालू प्रसाद यादव की सजा और बढ़ाई जाए। दरअसल डोरंडा कोषागार मामले में 1 महीने की जमानत पर रिहा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को CBI ने एक बार फिर घेरा है। CBI ने देवघर कोषागार में हुए अवैध निकासी के मामले में कोर्ट से अपील की है कि इस घटना में लालू यादव को जो सजा मिली है वो कम है, उनकी सजा अवधि और बढ़ाई जानी चाहिए। इस संबंध में CBI की याचिका पर रांची कोर्ट में बीते दिन सुनवाई की गई। CBI की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव को कम से कम 7 साल की सजा तो मिलनी ही चाहिए। देश भर में कोरोना एक्टिव केस के मामले 96,000 के पार।
देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए देश भर के पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के 11,794 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना की वजह से 27 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना के एक्टिव केस के मामलों की संख्या बढ़कर 96,700 हो गई है, जबकि रिकवरी दर वर्तमान में 98.57% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में 197.31 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। T20 विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगी भारतीय टीम। नवंबर के आखिरी में यानी ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद भारतीय टीम व्हाइट बॉल सीरीज खेलने न्यूजीलैंड जाने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में साल अक्टूबर नवंबर में T20 विश्व कप खेली जाएगी और इसी के तुरंत बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज और फिर इतने ही मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। वेलिंगटन, तौरंगा और नईपर में पहला, दूसरा और तीसरा T20I खेला जाएगा, जबकि ऑकलैंड, हैमिल्टन और क्राइस्टचर्च में वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया उनके नाम है मनीष कुमार, ललन केसरी, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, कुमार कौशल सिंह, नुन्नू कुमार, कुलदीप कुमार, दिलीप राम, रवि दीवाना। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, CBI द्वारा लालू यादव की सजा की अवधि बढ़ाने की मांग उचित है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।